हाय दिस इज माय रूममेट जिसके साथ कल तक मेरा प्लान रूममेट जिसके साथ मेरा प्लान ऑलमोस्ट कल तक कैंसिल था मुंबई आने का. हाँ एंड मोमेंट पे कुछ कुछ पता चल जाओ कि आपको बाद में पता चलेगा वरना हम लोग यहाँ फिर रो देंगे जो हुआ हम लोगों के साथ. ये तुमको कॉल करके पूछती है पूर्वानवी से बात हो रही है. हमको लगा ना कि अपना फिर कुछ फ्लाइट तो कैंसिल हो गया. हाँ, क्या बोली नहीं वो बोली ना कि तुम्हारा आपका फ्लाइट का चेंज हो गया टाइमिंग आपको पता है. बोले कब हो गया. ये हम लोग को मुंबई नहीं भेजना चाहते. वो बोली 11:25 बोले आगे पता है थैंक गॉड. भाई वो तो सोचो वो 10 बजे वो लिटरली 10 बज रहा है वो पूछ बोल रही कि 11:20 मेरा फ्लाइट है अपना. ये बोल रही थी अभी कि आप 2 घंटे पहले प्लीज पहुंच जाइएगा. गाइस प्लीज फॉलो एंजल फाइनेंस. ए तुम यहां कहां से पेड प्रमोशन. ए 50 रुपए निकालो 50 फॉर पेड प्रमोशन. दो पेड प्रमोशन दोस्ती प्यार में प्रमोशन करो. दोस्ती और क्या ब्लॉगिंग में ब्लॉग नहीं दोस्ती और बिजनेस अलग अलग नहीं 50 प्यार है. अच्छा ठीक है 10 रुपए दे दो. ठीक है 10 रुपए का रिचार्ज हो जाएगा. प्रधानमंत्री जी वो पॉजिटिव राम संख्या जी और 3500 पटना मुंबई जाने वाले यात्री आस्था कुमारी अपूर्वा आंधी शीट हम लोग लास्ट आदित्य सौरभ नागेंद्र नाथ पांडे कल्पना भारती आप सभी से निवेदन है कि अपना विमान की ओर द्वार क्रमांक 3 से प्रस्थान करें. यह विमान की उड़ान की अंतिम सूचना है. अरे भैया ये अपना एंजल फाइनेंस है तू पीछे पड़ी हुई है. तीसरा है मेरा भाई तो प्रमोट नहीं करेगी अपना भाई ना पेड प्रमोशन होना चाहिए. क्यों अब दोस्त को भी पेड प्रमोट भाई ना. टू ऑल माई फैंस आप लोग प्लीज आस्था के भी ब्लॉग को फॉलो इस चैनल को फॉलो करें और मेरे चैनल आस्था के फैंस मेरे चैनल को प्लीज फॉलो करें. एंजल फाइनेंस कैमरा दो. एंजल फाइनेंस YouTube पे भी इट्स एंजल फाइनेंस कैमरा दो. हम पूरा कट करने वाले एडिटिंग में. देखो तुमको कोई भी एक वीडियो डाल देना बस मेरा. आज सपना ने हमें बहुत अच्छे से. अच्छा सपना जी बहुत शर्मा रही हैं. उनको लग रहा है कि वो अपना वन प्लस के फोन से अपना पूरा मुंह छुपा सकती है. आज आज जब हम हमारे क्या नाम है उनका मनीष जी ने हमें धोखा दिया. हमें फ्लैट नान दे के सोसाइटी एनओसी नहीं मिला तो सपना ने हमें सहारा दिया. सपना मेरे ऑडियंस अपूरा थैंक यू बोलो. ऐसा कुछ नहीं है इन लोग से मैं अच्छा खासा अमाउंट लेने वाली हूँ. थैंक यू सपना अमाउंट लेने वाली है हक की. वैसे अमाउंट तो 50% कम नहीं होगा. सो हाई गाइज वेलकम बैक टू अ न्यू डे. तो जब सेकेंड डे का व्लॉगिंग स्टार्ट किया था मतलब कि वेंसडे का तो याद आया कि अभी तक हम लोग ने मंडे व्लॉग एंड ही नहीं किया है और अचानक से मुंबई आना और कुछ ना बताना तो वो एक्चुअली मेरा ही सोचना था कि अचानक से किसी से सरप्राइज़ दिया जाता है. ऑल दो कुछ लोगों को पता था बट जो सरप्राइज़ हमारे साथ ही एंड में हो गया उसका तो क्या ही कहना. सो बेसिकली हमारा 19 का फ्लाइट था और हम लोग ने ऑलरेडी एक पीजी बुक किया था जो एक फ्लैट था तो फ्लैट बेसिकली पीजी में कन्वर्ट हो गया था. और हमारा 19 का फ्लाइट था. 18 के शाम में मैंने ही कॉल किया और बोला कि हम लोग आ रहे हैं तो आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है प्लीज़ रेडी रखिएगा. और हमें पता चलता है कि अभी तक हमें सोसाइटी से ही एनओसी नहीं मिला है. सो जस्ट इमेजिन 19 का हमारा फ्लाइट है सुबह सुबह और 18th को सोसाइटी से एनओसी नहीं मिला तो बेसिकली हमारे पास कोई जगह ही नहीं था. और उन्होंने हमें एक उनके साथ एक टाई अप था एक होटल का बट ऑफकोर्स अगर एज अ गर्ल पेरेंट किसी के भी पापा मम्मी नहीं चाहेंगे कि वो होटल में रहे वो भी बिना देखे बिना समझे कैसा होटल है कैसा नहीं है. तो हम लोग काफ़ी दुविधा में थे. एक ऐसा मोमेंट आया कि चलो भैया अब ये भी कैंसिल करते हैं आज का भी फ्लाइट जितना लॉस होगा सहा जाएगा क्योंकि सबके पापा मम्मी लाइक मेरे मेघना पूर्वा के पापा मम्मी भी यही बोल रहे थे कि कैंसिल कर दो कोई सेंस नहीं बनता जाने का.
बट तभी हमें एट द एंड ऑफ द मोमेंट सपना मिली. तो बेसिकली अगर हम लोग का 11:30 फ्लाइट है और रात के 10:30 मेरे दिमाग में से क्लिक किया मम्मी के थ्रू कि सपना से बात कर लो, क्या पता वो तुम्हें रखने को तैयार जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट कर लिया था बट सबके यहाँ रिस्ट्रिक्शंस था, तो जो कि हम लोग समझते हैं. तो आई गेस सपना ने हमें बचाया और सपना के थ्रू ही आज अगर हम लोग मुंबई में हैं एक आवारा टाइप के जैसे हम लोग घूम रहे हैं. तो ऑल थैंक्स टू सपना. अपूर्वा आ जाओ यार, अपूर्वा बहुत देर से वेट करे कि व्लॉग का एंड हो तो वो साथ मिलकर व्लॉग का एंड करे. तो इसी मुंबई के बेसिस पे आज का ये व्लॉग एंड करते हैं. आई होप आपको पसंद आया होगा और अपूर्वा चाहे ना चाहे वो आखिर में मेरी ही रूममेट बनती है, उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं. सो हाँ, अगले 2 महीने हमें झेलना है इस बच्चे को, इस सुंदर से प्यारे से बच्चे को. एवरीवन प्लीज ब्लेस मी, सेंड योर ब्लेसिंग्स ऑन द कमेंट बिलो. मैं वो करेंगे तो कोई एंजल फाइनेंस को फॉलो मत करना. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप इसके बाद कौन से मार्क्स कटेंगे, ये धमकी दे रही है कि आपके मेरे मार्क्स कट जाएंगे. तो इसी बेसिस पे आज का ये व्लॉग एंड करते हैं. आई होप आपको पसंद आया होगा और मुझे थोड़ा संतावना आप दे सकते हैं. और हम लोग ने पीजीज देखना स्टार्ट कर दिए हैं, आज एक और फ्लैट देखने जाना है 1 BHK का. सो थैंक यू सो मच.